ऑनलाइन सिस्टम खास करके बुजुर्ग लोगों के लिए एक बड़ी योजना का शुभारंभ क्या संदेश पेंशनर के लिए जो हेल्प का है, अभी चूँकि कोविड वैक्सीनेशन हम लोगों का चल रहा है और चूँकि 60 वर्ष से ज़्यादा के लिए हम लोगों को जो कोविड का वैक्सीनेशन करना है, तो जो पेंशनर हैं उन लोगों को सभी हम लोगों को फील्ड में भी जाकर वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चूँकि एक संस्थागत जो अगर जो केंद्र है वहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो एक विशेष एक इफेक्ट आता है, तो उसी के तहत हम लोग जो है आज यहाँ पर उद्घाटन कराए हैं। और कोविड को लेकर के जिले में जिस तरह से आपको देखिए मामले सामने आ रहे हैं, सर किस तरह का गाइडलाइन दिया गया है, कंटेनमेंट जोन वगैरह तो बना दिया गया है राज्य में, अन्य जगहों के लिए क्या कोविड का जो अभी एक केस हम लोगों को राजपुर प्रखंड में मिला है और उसका जो हिस्ट्री है वो कहीं का अलग का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो यहीं पे रहे हैं और किसान हैं, उनका जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जो है सभी लोगों का टेस्टिंग हम लोगों ने कर लिया है, किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हम लोगों को है बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है और कुछ लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो उसको नहीं गंभीर नहीं ले रहे हैं, हम लोगों को गंभीरता लेना पड़ेगा और जो भी सावधानी बरतनी है हम लोगों को बरतनी है। सर आप खुद सदर अस्पताल आएँ, सर आने वाले दिनों में क्या कुछ सुविधा मिलेगी? क्या आप तो सदर अस्पताल का आप देखे होंगे कि हम लोगों ने फीडबैक सिस्टम भी 7 पॉइंट का हम लोगों ने शुरू किया है, कुछ फीडबैक भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और फिर फीडबैक में जो है जैसे 7 में से 5 जो फीडबैक हैं वो अच्छा दिए गए हैं और बाकी 2 भी फीडबैक अच्छा ही दिए हैं, लेकिन एक बिंदु पे है कि कुछ जो है जांच जो है यहाँ पे नहीं हुई है, कुछ का जो है वो मेडिसिन जो है यहाँ पे उनको नहीं मिला है, तो हम लोग जो है उनको कॉल नंबर भी चूँकि दिया होगा तो उनको हम लोग संपर्क करके उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या क्या हुई और हम लोगों के स्तर से क्या चूक हुई है, तो हम लोग जो फीडबैक सिस्टम के उससे हम लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा। नवानगर में आज प्रखंड का इंस्पेक्शन था और जो रूटीन इंस्पेक्शन था, जो भी प्रखंड के जो क्रियाकलाप्स हैं वहाँ के जो कार्यशैली है उन सब बिंदुओं पर जो हम लोगों ने जांच की। पंचायत चुनाव को लेकर के प्रखंड में नया दिशा निर्देश आया? प्रखंड चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव को लेकर जो है अभी विस्तृत गाइडलाइंस आने हैं, अभी जैसा विस्तृत गाइडलाइंस आएगा उस तरह से हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन जो बेसिक जो तैयारी है हम लोग वो कर रहे हैं। आप पीछे करके थोड़ा सा होता है, इसको भी होता है।